चुनावों के मद्देनजर बीजेपी शहर शहर कस्बा कस्बा कमल मेलों का आयोजन कर रही है। हमारी बाइक जा पहुंची ऐसे ही एक मेले में। लेकर विकास की लहर आया कमल मेला आपके शहर। मार्केटिंग के नाम पे बीजेपी को कोई बीट नहीं कर सकता। ये बीजेपी के कमल मेले छोटे छोटे शहरों में लगे हैं। अगर देखिए उधर जाइए, कमल की मेहंदी लगाइए, कमल का फूल अपने हाथ पे खिलाइए। यहाँ पर पजल है और ये सारी पजल जो हैं, स्टॉल लगे हैं, सब कुछ बीजेपी के ऊपर है। कितनी योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ कौन से विदेश गए, क्या क्या किया, सब कुछ उस पर है। और यहाँ देखिए जरा, अपनी उपलब्धियों को बताता है ये छोटा कमल मेला, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी लड़ी थी राहुल गांधी के खिलाफ। अब उन्हीं की तस्वीर है यहाँ पर। और अंदर क्या चल रहा है, नेशनलिस्ट शो है उड़ी का। बीजेपी फ्री उड़ी दिखा रही है। आपने भी देखी होगी, हम भी देखते हैं, अंदर जा सकेंगे। बीजेपी के इस मेले पर राजनीति के साथ साथ देशभक्ति का रंग भी चढ़ा हुआ है। मेले में लगे अस्थायी सिनेमा हॉल में उड़ी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनाव में सिर्फ 2 महीने बाकी है और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को बताने के लिए कि वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उड़ी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है बिल्कुल मुफ्त अमेठी वासियों के लिए। अब हाउ इज द जोश, वो तो जनता ही बताएगी किसके लिए आएगा। वोट पर जोश का जवाब मिलने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन अमेठी में कमल मेले के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश और आत्मविश्वास पूरे उफान पर है। इलेक्शन की बात नहीं, यहाँ तो अमेठी ऑलरेडी कमल में हो चुकी है। इस बार यहाँ से राहुल की विदाई होना तय है, कमल खेलना भी तय है, स्मृति जी का चुनाव जीतना भी तय है। बीजेपी के कमल मेले से अलग एक अमेठी और भी है जो राहुल गांधी के रंग में रंगा हुआ है। राजनीतिक स्थिति, आकलन और आंकड़े अपनी जगह, लेकिन अमेठी में कांग्रेस के झंडा बरदार मानते हैं कि हो ना हो इस बार उनका संसदीय क्षेत्र भारतवर्ष को उसका अगला प्रधानमंत्री देने जा रहा है। अब की बार अमेठी लोकसभा के जो की जो जनता है बहुत उत्साहित है, क्योंकि हम लोग फिर से एक बार देश को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं और हमारा उत्साह जो 101% हो गया। अब हम लोगों के साथ हमारी बहन प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। जो जब से सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने IIT को यहाँ से हटा दिया, फूड पार्क को हटा दिया और हिंदुस्तान पेपर मिल को हटा दिया। अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार एकदम कर रहे हैं, पूरे देश के साथ जो कर रहे हैं। ये परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन की लहर जो है 2014 के बाद से ही शुरू हो गई। लोगों की राय जानने के सिलसिले में हमने अब की बार अपनी बाइक का मुंह अमेठी के अनाज मंडी की ओर मोड़ दिया। हर चुनाव से पहले सियासी खाका खींचते समय सभी राजनीतिक दल सर्वजन हिताय नीतियां लागू करने का वादा करते हैं, लेकिन हर बार लोक लुभावन वादों और दावों के शोर में अन्नदाता अनसुने रह जाते हैं। कितना रेट है, गवर्नमेंट ने कितना रेट तय किया है धान का? 1750 रूपए। मंडी में कितना मिलता है? यहाँ 1600 बता रहे हैं। 1600 बता रहे हैं जी। तो आप जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो यहाँ नहीं मिलता जी? जो रेट तय करते हैं वो मिलता नहीं है? वो कहाँ मिलता है, वो बड़े बड़े किसानों को ले लेते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि अब आ जाना कल आना, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। ट्राली करके ले जाए तो वहाँ 8-8 दिन वहाँ रखाएं, घर रखाएं कि वहाँ मंडी रखाएं। किसकी खेती करते हैं? धान गेहूँ। धान गेहूँ की खेती करते हैं। धान का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? मंडी में तो 1600 1650 बिक रहा है। गवर्नमेंट ने कितना तय किया? 1750 रूपए। 1700 मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता है वहाँ, हम लोगों का धान लिया ही नहीं गया। किसानों के अलावा व्यापारियों के पास भी अपनी शिकायतें हैं। वो कहते हैं सरकारी रेट पर अगर वो इतना महंगा धान खरीद भी लेते हैं तो उसे बेचेंगे कहाँ। 1770 हम लोग कहाँ बेचने जाएं? अगर 1770 का हम लोग लेंगे तो हम लोग कहाँ बेचेंगे? सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए ना कि व्यापारी कहाँ जाए। अगर हम लोग खरीद लेते हैं तो उसको हम लोग कहाँ बेचेंगे? 2019 में किसान का वोट बहुत अहमियत रखेगा और ये बात पता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। बजट में भी दिखा और उनकी स्पीचेस में भी। एक मुद्दा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए। एक किसान क्या कहता है और दूसरा
बिचौली जिसको किसान चोर कहता है, क्या कहना है दोनों का आपने सुना। उन्नीस के चुनाव में किसानों के अलावा एक और अहम वोट है युवा वर्ग का। युवाओं का रुझान जानने के लिए हमने अब रुख किया अमेठी के राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान यानी RGIPT का। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज 2008 में कांग्रेस ने नोएडा से उठाकर अमेठी में लगाया। जाहिर है वोट बैंक पॉलिटिक्स राहुल गांधी की कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ पे जो छात्र हैं वो पूरे भारत से आते हैं, क्या कहना है इन छात्रों का उनसे पूछते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो वो भी अर्न कर रहा है, बट दिक्कत ये है कि अगर कोई इंजीनियरिंग करके पकौड़ा बेच रहा है तो फिर उसे हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब्स नहीं मिल रही। मोदी सरकार को एक और चांस मिलना चाहिए और आपको लगता है कि कुछ नया आना चाहिए? मेरे को लगता है चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, क्यों लगता है चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए क्योंकि एक तो 28-30 साल बाद इनको क्लियर मेजोरिटी मिली, एक्सपेक्टेशंस जो भी थी उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए जो भी इन्हें बोला था। चाहे जॉब्स हो, आप 2 करोड़ जॉब्स की बात की थी। ऐसी सरकार हो जो सिर्फ अर्बन को ही फोकस ना करे या सिर्फ रूरल को फोकस ना करे, सब ओवरऑल डेवलपमेंट करे। अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ऑल टाइम हाई अभी करेंटली, तो एज अ यूथ मैं चाहता हूँ कि कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे गवर्नमेंट। एक बात साफ है कि युवा उसी सरकार को मौका देना चाहते हैं जो उनके भविष्य की नींव रखने के लिए अहम कदम उठाए। ऐसे हालात में देश में सुरसा का मुंह हो चली बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने की बात करने वाली पार्टी युवाओं की फेवरेट साबित हो सकती है। 2014 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहाँ कड़ी टक्कर दी थी। आज भी अमेठी की गलियों से गुजरते हुए हमने पाया कि कांग्रेस के इस गढ़ में विकास को लेकर शिकायतें तो हैं, लेकिन साथ ही यहां कांग्रेस का एक पारंपरिक वोट बैंक भी मौजूद है जिसके दिल में प्रियंका और राहुल गांधी को लेकर आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कांग्रेस का गढ़ है भाई, कांग्रेस का गढ़ है। आप कुछ काम किया है यहाँ पर, विकास हुआ है? विकास तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, विकास तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हुआ भी है। पर अगर विकास नहीं हुआ है तभी कांग्रेस का गढ़ है? कांग्रेस का गढ़ तो माना ही जाता है, इसको दुनिया मानती है, हम आप क्यों नहीं मानेंगे, पूरा देश मानता है अमेठी को कांग्रेस का गढ़ रायबरेली को। यहाँ से फिर राहुल गांधी जाएंगे? हाँ जीतेंगे, जाएंगे राहुल गांधी यहाँ से, फिर जीतेंगे। आपको क्या लगता है? जी वही सपा बसपा गठबंधन होने के नाते एकदम सुनिश्चित है यहाँ पे सपा बसपा को। प्रियंका गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ा है? पड़ा तो भाई है। चाय की चुस्कियों के साथ हमने अमेठी को अलविदा कहा और निकल पड़े सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की ओर।